महमूद, आप हमें बताइएगा कि आपके दौर में जब मेहंदी होती, सॉरी चांद रात होती थी, और अब तो इससे मेहंदी लगवाने वाले भी आ जाते हैं, अब तो जैसे अभी फलक ने भी कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से भी चीज़ें आसान हो गई हैं, उस वक्त कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते थे? असल में जो आजकल चांद रात होती है हमारे ज़माने में इस तरह की तो नहीं होती थी, तो हमारे यहाँ बस यही था कि कुकिंग वगैरह अच्छी सी हो गई, बहुत सारी डिशेस बन गई जिसमें चना चाट, खीर, बिकॉज़ वो मेरी फेवरेट है, खीर और पुलाव, हमारी हमेशा से पुलाव खानों पे ज्यादा फोकस हो, क्योंकि ईद पे मेरे ख्याल से एक जो बड़ा खाना हर खानदान में होता था, तो शायद उसकी वजह से वो चांद रात से एक मेन बन गई थी। वो हमारे अब्बा जी जरा इन चीजों की तरफ ज्यादा तवज्जो देते थे, और फिर हम खवातीन भी इसी तरह उसी रंग में बस ढल गई। फिर आगे हमने भी ऐसे ही किया, लेकिन अब चूंकि चेंज आ गया, टाइम चेंज हो गया, अब तो बहुत सी चीजें बाहर से आ जाती हैं, थोड़ी बहुत घर में बन जाती हैं, तो सब मिक्स एंड मैच बस चलता है। एक चीज जो मेरे ख्याल से नहीं बदली, और वो नहीं बदली स्पेशली जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं पिंडी में, कि आपको ईद वाले रोज कोई नजर नहीं आता आप बाहर जाते हैं, घरों के अंदर इतनी गहमा गहमी होती है, और जब आप बाहर जाते हैं तो आप एक कोई मोटरसाइकिल चल रहा होगा बेचारा, एक गाड़ी चल रही होगी, और बस। लेकिन जब आपने कहीं जाना होता है तो उस वक्त रश होता है, जैसे कि शाम में आप निकलो तो उस वक्त रश उस टाइम रश होता है।